हैंडस्प्रिंग, एक ऐसी चीज जो कि आप तो करते हो बट आप ऐसी पांच गलती करते हो जो कि आपको नहीं करना है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा ठीक करना। लेट्स गो। व्हाट्सअप नंबर वन, यहाँ पर आता है जंप। जंप इंपॉर्टेंट बैकहैंड में इतना ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप जंप करते हो तो आपकी फ्लिप बिगड़ेगी। जस्ट लाइक मान लीजिए अगर मैं बैक हैंड स्विंग करता हूं तो मुझे जंप ज्यादा नहीं लेना है, ओवर जंप मेरी बैक हैंड स्विंग को बिगाड़ देगा। जस्ट लाइक दिस, अगर मैं ये वाली जंप एक्स्ट्रा करता हूँ इसका मतलब मेरी बैक हैंड स्विंग खराब है, तो मुझे इस चीज को सुधारने की जरूरत होती है। आई नो बिगनर्स सब यही करते हैं मिस्टेक कि जब बैक हैंड स्विंग सीखते हैं तो वो एक्स्ट्रा जंप करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, तो ये सुधार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना फोकस करिए कि जंप ज्यादा एक्स्ट्रा ना हो, जितना आप जंप करोगे आपकी फ्लिप बिगड़ेगी। उसके लिए आप पोस्चर को उतना ही मेंटेन करिए एंड कम लेग से फोर्स लीजिए। ये चीज बैकफ्लिप सीखने में काम आती है जब आप बैकहैंड स्प्रिंग में जंप एक्स्ट्रा कर रहे हो। अगर ये करोगे तो आप बैकफ्लिप सीख जाओ जल्दी, बट आपको बैकहैंड पहले क्लीन करनी पड़ेगी। एंड नंबर टू, यहाँ पर आता हैंड बैंड। यहाँ से आपकी बैकहैंड स्प्रिंग ऑटोमेटिकली क्लियर पता चल जाए कि आपकी हैंड में कितनी पावर है या नहीं है। जब भी आप बैकहैंड स्प्रिंग करते हो तो आपका हैंड बैंड होता है जो कि नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपके हैंड में पावर नहीं है। अगर आपका बैकहैंड समथिंग इस तरीके से या फिर इस टाइप में ही कुछ सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब आपको हैंड में पावर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और बैकहैंड पावर बढ़ाने के लिए आप करना पड़ेगा हैंड स्टैंड, जिसका वीडियो कुछ बना दूंगा, एंड पुशअप, लटकना है, मतलब हैंड की पावर की जो जितने भी एक्सरसाइज होती है आप यूट्यूब पर छान लीजिए, आपको मिल जाएगी। तो ट्राई करें, सबसे पहले आप हैंड में पावर बढ़ाइए। आपका हैंड स्टैंड ही है जो कि आपको ईजी करा सकता है। अगर आपको बैक वॉक ओवर आती है तो बैक वॉक ओवर में जब आप पीछे जाते हो और हैंड हवा में रहते हैं, सॉरी आपके लेग हवा में रहते हैं, तो वही पोस्चर में आपको समझना चाहिए कि आपके हैंड पावर कितना है, क्योंकि बैक वॉक ओवर से आपके अंदर की सच्चाई पता चलेगी हैंड्स की पावर की। तो ट्राई करिए कि हैंड्स में पावर बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड पुशअप करिए, हैंड वर्कआउट करिए, जिससे आपके हैंड पावर बढ़े और आप बैक हैंड को गलत ना मारो। नंबर थ्री, नीज बैंड। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपके बैक हैंड स्प्रिंग में, क्यों जब भी एक बिगिनर बैक हैंड स्प्रिंग सीखता है तो उसका नीज हमेशा बैंड रहता है जो कि बहुत गंदा लगता है। वैसे मेरी बैक हैंड स्प्रिंग क्लियर है तो मैं वो गलत एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप समझ जाओ। आपके बैक हैंड स्प्रिंग जब भी नीज बैंड होते हैं इसका मतलब ये है कि आपके बैक हैंड में खराबी है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा आपके जो नीज है उसको टाइट रखिए, एज अ क्लीन जिमनास्ट में बॉडी जिस तरह से चाहती है ना आपको उस तरीके से करना, आपके लेग्स बैंड नहीं होंगे, हमेशा सीधे रहेंगे। एंड नंबर फोर, यहाँ पर आता है विदाउट जंप। आई नो मैंने लास्ट में बोला कि आप जंप नहीं करें, बट ये भी होता है कि लोग जंप नहीं करते हैं। जब भी आप किसी बिगनर की फ्लिप देखिए, आप खुद की देख सकते हो, शक्ल देख सकते हो चेहरे पे मिरर के अंदर। सो जब भी आप विदाउट जंप आप लर्निंग में करते हो, ट्राई करें कि जंप लीजिए। मैं पहले बोलूं नहीं करना है, लेकिन अब करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि आप गलत कर दो स्टेप जैसी। सो आपको वही चीज नहीं करनी कि आपको इतना भी मतलब ना के बराबर जंप नहीं लेना कि आप फोर्स भी लेना पाओ, आप गिर जाओ। वो गिरने वालों की वीडियोस है, आप देख सकते हो, मैं गिरना नहीं चाहता। तो आप अपने आप को समझिए कि जब बंदा लर्निंग में सीखता है जंप बैक हैंड स्प्रिंग तो वो जंप नहीं लेता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स नहीं लेते थे, आप में भी बहुत लोग नहीं लेते होंगे, तो ट्राई करेंगे इतना तो जंप लीजिए कि आपका फोर्स इजी हो जाए। एंड नंबर फाइव, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेग्स ओपन। लेग्स ओपन सबके होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में गाइस मेरे खुद के भी होते थे जब मैं सीखा था बैक हैंड स्विंग। तो यहाँ पर आपको लेग्स को ओपन नहीं करना है। बहुत लोगों के स्टार्टिंग में ही लेग्स आगे पीछे रहते हैं। मान लीजिए मेरा फोर्स ये है, ये फोर्स लेकर डार्ट ऐसे ही कूद जाते हैं, जो कि नहीं करना है। आपको हमेशा लेग पास में रखना है, देन फ्लिप करनी है। आपकी बैक हैंड स्विंग का जो लेग्स ओपन होते हैं ना, वो लेग ओपन ना हो जिसकी वजह से आपकी फ्लिप खराब ना जाए। सो गाइस, ये कुछ पांच ऐसी मिस्टेक थी जो कि आप ऑलरेडी करते हो, जिसको आप देख के ठीक कर सकते हो। तो ट्राई करिए, आई नो इसका पार्ट टू भी बनाऊंगा, कि पार्ट वन में मैंने पांच रखा है, आगे पांच आगे और बताऊंगा। कमेंट करिए पांच टू के लिए। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। 2024 स्टार्ट हो चुका ऑलमोस्ट, सो हम कुछ नया करेंगे।